क्वेश्चन नंबर 11 है और यह जो है एक्सरसाइज 4.5 का है। तो यहाँ पर इसमें भी हमें लोगों को निकालना है ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे, ध्यान समझिएगा इसे। मॉड ऑफ ए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान एक लिखेंगे। थोड़ा डायरेक्ट हल करते हैं, देखिए हाँ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान एक लिख लिए, ये और ये छोड़ देंगे, ये बचेगा ना तिर्यक गुणा, इसका इसमें माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सूत्र का माइनस, इसका इसमें करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अगर एक का गुणा इसमें कर देते हैं तो ये सेम मिलेगा, और माइनस कामा ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एक फार्मूला पढ़े थे त्रिकोणमिति सरसमिका के पहले नियम से, क्लास टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर ना, अगर कोण बदल गया तो वन के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तब क्या होगा? अगर कोण बदल गया तो उसका सूत्र नहीं बनेगा यहाँ पे इस कंडीशन में, दोनों कोण क्या होने चाहिए बराबर। तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है एक के बराबर हो जाती है, और यहाँ पे आ जाता है इसका मान मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए निकालेंगे ए वन वन, ए वन वन माइनस वन के पावर टू, माइनस वन के पावर टू, और यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, ये बचेगा इसका गुणा इस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर सूत्र का माइनस, इसका इसमें साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होगा, और ये माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप लिया था ना, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए जरा पहला पंक्ति पहला स्तंभ लिया ये बचा, अब दूसरा लेंगे तो ये जीरो कर देगा, और तीसरा भी लेंगे तो हमने आगे का स्टेप नहीं लिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए माइनस, ये जो वैल्यू है इसका आंसर कितना हो जाएगा वन वन टू, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो ये और ये छोड़ दोगे ये बचेगा, इसका इसमें क्या मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा जीरो। ए वन थ्री माइनस वन के पावर फोर, पहला पंक्ति थ्री, ए वन थ्री माइनस वन के पावर फोर, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखो ये पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, इसका इसमें करोगे जीरो मिलेगा, और इसका इसमें ये भी जीरो मिलेगा, तो बराबर हमें जीरो मिल जाएगा। ए टू वन माइनस वन के पावर थ्री, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला ये और ये, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पंक्ति माइनस वन के पावर फोर, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति देखो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें माइनस कॉस अल्फा बराबर ये क्या देगा धन माइनस कॉस अल्फा। अब आगे देखिए हम निकालेंगे ए टू
माइनस वन की पावर फाइव, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें साइन अल्फा माइनस, ये विषम है ना इसकी घात, क्या मिलेगा माइनस साइन अल्फा में जीरो घटाएंगे साइन अल्फा। ए थ्री वन माइनस वन के पावर फोर, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखो ये और ये छोड़ दो, ये इसका इसमें जीरो, इसका इसमें जीरो, जीरो माइनस जीरो बराबर ए थ्री टू माइनस वन टू दी पावर फाइव, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें साइन अल्फा माइनस बराबर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस वन के पावर फाइव माइनस मिलेगा, साइन अल्फा में जीरो घटाएंगे साइन अल्फा मिलेगा। ए थ्री थ्री माइनस वन के पावर सिक्स, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखो यहाँ तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ अगर लोगे तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें कॉस अल्फा माइनस बराबर कॉस अल्फा। अब हम लोग निकालेंगे बी, देखो यहाँ बी ए है माइनस वन, ए वन वन की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, ए वन टू की जीरो, ए वन थ्री की जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर ये है माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा है, जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरीके से ये हमारा बी मिल जाएगा। अब हम लोग इसका परिवर्त निकालेंगे बी डैश, बी डैश को ही हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं, और यहाँ पे पंक्ति को अगर स्तंभ में कर दिया जाए तो वही हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये पंक्ति को स्तंभ में, जीरो माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। ए इनवर्स बराबर बी डैश बटे मॉडुलस ऑफ ए, बी डैश ये है हमारा, और मॉडुलस ऑफ जो ए है वो क्या है माइनस वन, तो देखो वन अपान माइनस वन, और यहाँ पे ये माइनस वन नॉट 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये देख रहे हो ना ऊपर नीचे माइनस है, तो अगर माइनस को ऊपर नीचे गुणा करेंगे यहाँ माइनस यहाँ, अब ये माइनस का गुणा सभी हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस मिटाओ और यहाँ यहाँ जीरो का भी माइनस होता नहीं है, यहाँ 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 पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। 12 है, ए बराबर दिया है बी बराबर दिया है, और इसमें सिद्ध करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी का होल व्युत्क्रम बराबर बी का व्युत्क्रम इंटू ए का व्युत्क्रम। सबसे पहले हम लोग को ए बी निकालना है, ए बी निकालने के बाद उसका हमें निकालना है इनवर्स, ठीक है। देखिए ए इंटू ए की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 3725, बी की लिखेंगे 6879, अब जरा देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा 6 3 18
प्लस 749 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे, 3 8 24 और 9 7 देखिए इसका इसमें किया तो ये आ गया, इसका इसमें किया तो ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ, 2 6 5 7 2 8 9 5 9 8 17 4 1 5 1 6 अब देखिए यहाँ पे 4 3 6 2 8 5 2 7 3 1 4 6 5 11 4 1 5 1 ये किसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है ए बी इनवर्स, ठीक है ना, क्या निकालना है ए बी, तो अब माड निकालेंगे सबसे पहले, माडुला साफ ए बी, ठीक है ना, इसका इसमें गुणा करो, बताओ 67 का 61 में गुणा करके, इसका इसमें गुणा करो, बताइए कितना रहा। अभी हम लोग इसका इसमें जब गुणा किए तो 4087 आया, और इसका इसमें किए तो 4089, तो यहाँ 87 है, यहाँ 89 घटाएंगे, -2 आएगा, तो इसमें लिखेंगे बराबर -2। अब देखिए अब निकालना क्या है, ए बी 11 ए बी 11 -1 की पावर 2। देखिए ए बी 11 का मतलब है पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे क्या मिलेगा, 61, ये बराबर हो जाएगा 61। ए बी 12 ए बी 12 -1 की पावर 3 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये और ये छोड़ेंगे 47 हो जाएगा, ये हो जाएगा -47। अब यहाँ पे ए बी 21 -1 की पावर 3 देखिए ए बी 21 -1 की पावर 3 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला क्या मिलेगा 61, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 87 बराबर माइनस ए बी 22 -1 to the power 4 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर 67। अब देखो सभी लोग ए बी, ए बी है ना, जैसे ए था तो बी निकालते थे, अब जब ए बी है तो उसका नाम क्या रख देंगे, सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक नया नाम देते हैं सी, ठीक है, तो यहाँ पर सी बराबर लिखेंगे, यहाँ से चालू करिए, 61 -47 -87 67। अब क्या निकालेंगे भाई, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, देखो पहला पंक्ति है ना, इसे कायम कर देंगे -47 ये हो जाएगा 67, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी का होल इनवर्स या होल व्युत्क्रम बराबर सी डैश बटे माड ऑफ, भाई यही सी डैश तो निकालना था ना, अच्छा इस सी डैश को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी, जैसे ए का जब एडजॉइंट निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए,
जब ए बी का निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ, या उसे हम क्या लिख सकते हैं, सी डैश। अब सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है ना। अच्छा और देखिए, और मॉडुलस ऑफ ए बी कितना है, तो माइनस ऊपर माइनस वन बाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे देखो ये लिखेंगे, ये माइनस माइनस इतना सड़सठ, ये किसका वैल्यू आ गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड का। हम लोगों को निकालना क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर उसका दोनों का गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए निकाल लीजिए, माड निकालो ए। देखो यहाँ माड ऑफ ए, माड ऑफ ए पंक्तियाँ ही पंद्रह, और दुई सत्ते चौदह बराबर एक। अब ए वन वन निकालिए, माइनस वन के पावर टू, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, पाँच बराबर पाँच। ए वन टू, माइनस वन के पावर थ्री, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर माइनस दो। ए टू टू, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ सेविन, यहाँ पे माइनस वन की पावर थ्री सेविन बराबर माइनस सेविन। ए टू टू, माइनस वन टू दी पावर फोर, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर तीन। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, बी है ना, यहाँ पे बी ऑलरेडी है तो इसे मानेंगे डी, क्योंकि सी मान लिए थे तो ये डी हो जाएगा। ओके, बी पहले से है ना, तो बी नहीं मानेंगे हम, इसे डी मान लेते हैं, फिर ये डी डैश, ठीक है। अब देखो डी निकालेंगे, पाँच माइनस दो माइनस सात तीन, अब इसका क्या निकालेंगे डी, इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कर दो, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे भाई, ए इनवर्स बराबर डी डैश बटे मॉडुलस ऑफ, डी डैश की वैल्यू ये है और मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू वन है, तो यही आ जाएगा यहाँ पे, पाँच माइनस सात माइनस दो तीन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ बी, एक एक पॉइंट देखते रहिए, मॉडुलस ऑफ बी, नौ छंग चौवन, आठ सत्ते बराबर माइनस दो। यहाँ देखिए अब बी वन वन, माइनस वन के पावर टू, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़िए, नौ बराबर नौ। बी वन टू, माइनस वन के पावर थ्री, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा माइनस सेविन, ठीक है। बी टू वन, माइनस वन के पावर थ्री, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ एट बराबर माइनस एट, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस वन टू दी पावर फोर, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ सिक्स बराबर सिक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, ई डी के बाद ई आ जाएगा ना, ये हो जाएगा नौ माइनस सात माइनस आठ छः। ओके, अब इसका क्या निकाल लेंगे, ई डैश बराबर एडजॉइंट ऑफ बी, बी है ना, तो बी लिखेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ माइनस एट सिक्स, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स बराबर ई डैश बटे मॉडुलस ऑफ, ये मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू क्या है, माइनस दो, तो माइनस एक बटे दो,
अब जरा देखिए यहाँ पे ई डैश की वैल्यू 9 - 8 - 7 - 6। देखिए जरा हमारे पास ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया ना। अब हम लोग ये वाला निकालेंगे, ठीक है। तो ये जब निकालोगे तो यही चीज़ देगा। चलिए पहले हल करो। सभी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो गए। देखो ए बी का होल इनवर्स यहाँ पे मिल गया है। अब यही राइट हैंड साइड भी यही आना चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरत है, बी इनवर्स ए इनवर्स की, जो कि हमने यहाँ पे देखो बी इनवर्स निकाल के रखा है, ये है ए इनवर्स यहाँ पे निकाल के रखा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स की वैल्यू ये है -1/2, 9 - 8 - 7 - 6। ए इनवर्स की वैल्यू वहाँ पे लौकत है, ये हो जाएगा। देखो अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देख रहे हो -1/2 है, यहाँ पर भी क्या -1/2, हमें इसकी ज़रूरत है तो ऐसा काम करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ये सेम रखते हैं, -1/2, इसका अंदर मत गुणा करिएगा। पहली पंक्ति का पहले 9 * 5 = 45, माइनस माइनस 8 * 2 = 16, 9 * 7 = 8 + 3 = 24 है ना। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ ये है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में ये आ गया 8 + 3 = 24। ये कैसे -24। अब देखिए यहाँ पे इसका इसमें है ना, इसका इसमें करोगे 7 * 5 = 35 और -12, माइनस माइनस 7 * 7 = 6 + 3 = 18। देखिए -1/2 - 1/2 माइंड, देखो भाई -1/2 एके और एके जोड़ो कितना आएगा, 6 + 5 = 11 + 1 = 4 + 5 = 6, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। अब आप जरा देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे। अतः ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू, यही चीज सिद्ध करना था और ये हमारे पास जो कि आ गया है, ठीक है ना। इसमें दो चीज, एक तो ले आना है ए इनवर्स, दूसरा सिद्ध करना है इतना बराबर ये। तो सबसे पहले हम लोग ये सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए और आई चाहिए, ये पता है। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं यहीं से, देखो ए इंटू ए, यही दो बार लिख दो, 3 - 1 - 1 = 2, 3 - 1 - 1 = 2, ठीक है बराबर। यहाँ देखिए जरा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 * 9 एक में इसका -1, इसका इसमें किया दिया गया 3 * 1 = 3 और ये हो जाएगा 2, इसका इससे -3 -2 -1 + 4, 9 - 1 = 8 - 5 -5 = 3। ये हमारे पास क्या मिल गया भाई, ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, आई, 2 * 2 का आई निकालिए, 1001 ये है। अब यहाँ देखिए इसी में रख देना, यहाँ से क्या लोगे लेफ्ट हैंड साइड,
ए स्क्वायर फाइव ए प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गया 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, ए की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7। देखो यहाँ 7, आई की वैल्यू 100 है ना, आई भी लिखा थे हम मिटा दिया। अब देखें इसको सेम लिखेंगे ऐसे 3, 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 3 आई, चिन्ह का गुणा मत करना, 5 3 आई 15, 5 1 के 5 माइनस 5 5 2 9 और इसका इसमें करोगे तो क्या होगा 7 1 0 7। अब यहाँ पे मामला ले लियो 8 माइनस 15 प्लस 7, कोई दिक्कत 8 माइनस 15 प्लस 7 5 माइनस 5 धन 0 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 7। देखो 8 7 15, ये 0 ये 0 0, यानी लेफ्ट क्या मिल गया, लेफ्ट मिल गया, राइट लेफ्ट मिल गया 0 0, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 0 राइट हैंड, यही ले आना था। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को चाहिए मॉडुलस ए, तो मॉडुलस से यहाँ पर ए है द्वितीयाई सूत्र का माइनस, एक का इस माइनस माइनस प्लस बराबर 7, ए 11 माइनस 1 की पावर 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे बराबर 2। अब निकालेंगे ए 12 माइनस 1 की पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1, एक माइनस 1 ये देगा, यहाँ पे एक पहले से है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1। ए 21 माइनस 1 की पावर 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 माइनस 1। ए 22 माइनस 1 टू द पावर 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए दिया है तो इसे क्या मानेंगे, बी 2 1 माइनस 1, इसी को देखकर क्या निकालेंगे, बी डैश 2 1 माइनस 1 3, यानी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ में। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स बराबर बी डैश बटे मॉडुलस ऑफ ए, बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ये है मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 1/7 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 3। तो इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे, और ये सिद्ध करना था 0, तो मैंने 0 ले दिया।